इन दी नेम ऑफ अल्लाह दी मोस्ट बेनिफिशियल एंड दी मर्सीफुल अस्सलाम वालेकुम टू आल स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमारे पास फंक्शंस ऑफ़ बॉन्डेड वेरिएशन के रिलेटेड सम प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ होगा फर्स्ट ऑफ आल हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर एक फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन को शो करता है इस क्लोज इंटरवल पे और अगर एक पॉजिटिव नंबर के हो हमारे पास साथ में ये भी रिलेशन होल्ड करता है कि एफ़ ओफ एक्स मॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू के हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एमा बी क्लोज इंटरवल इसमें यहाँ तक जो स्टेटमेंट मेंशन है इसमें ये होगा कि एक आपके पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन को शो करता है और साथ में एफ़ ओफ एक्स मॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी क्लोज इंटरवल ये रिलेशन शो करता है कि आप इस क्लोज़ इंटरवल में जो भी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे इस फंक्शन की डोमेन के लिए तो जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगी वो इस के उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस के से जो आपने सेलेक्ट किया हुआ उस है उस के से ग्रेटर और या फिर इन सम केसेस इक्वल आ सकती है कि रेंज की वैल्यू आपके पास इस केस है या फिर ग्रेटर होगी या फिर इन सम केसेस इक्वल आ सकती है जब आप डोमेन इस क्लोज इंटरवल में से सिलेक्ट करेंगे तो एफ ओफ एक्स मॉड ग्रेटर दैन और इक्वल टू के होगा फॉर आल एक्स बिलोंग्स टू एमा बी क्लोज इंटरवल तो अगर ये रिलेशन होल्ड करता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन भी है और एफ ओफ एक्स मॉड ग्रेटर ग्रेटर दैन और इक्वल टू के भी है तो हम प्रूव करेंगे कि वन ओवर एफ जो कि इस फंक्शन एफ़ का रेसीप्रोकल है वो भी बॉन्डेड वेरिएशन को शो करता है ये हमने प्रूव करना है तो इसके प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक पार्टीशन सपोज करना पड़ेगी फिर इस की फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होता है वेरिएशन का उसको ले कर चलना पड़ेगा और फिर बाद में सुप्रीम ले कर जो आंसर अगर फाइनाइट आ जाए तो हम कह सकेंगे कि ये वन ओवर एफ जो फंक्शन है ये बॉन्डेड वेरिएशन को शो करता है तो सबसे पहले हम पार्टीशन पी एस की ले रहे हैं क्लोज इंटरवल के लिए और साथ में नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास होगा वन ओवर एफ यानी कि समेशन की फॉर्म में एक्सप्रेशन जो होगा वन ओवर एफ के लिए वन ओवर एफ फर्स्ट टर्म पे साथ में एक्स आई और फिर वन ओवर एफ साथ में एक्स आई माइनस वन आ जाएगा और समेशन भी इंक्लूड होगा फिर हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं पहले था कि वन ओवर f इन टू एक्स आई अब वन ओवर f ऑफ एक्स आई इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो वेरिएबल है वो ओनली फंक्शन पे ही अप्लाई होगा कांस्टेंट पे तो नहीं तो इसलिए हमने फंक्शन के साथ वेरिएबल यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो साथ में मेंशन करवा दिया नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा अब हमारे पास डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स आई या और एक एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करके यहाँ पे मेंशन करवानी है हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि डोमेन अगर आप इस इंटरवल में से ले रहे हैं इस क्लोज इंटरवल में से तो अगर हम उन सभी पॉइंट्स को जो भी इस इंटरवल में पॉइंट्स होंगे उन उनको अगर फंक्शन में पुट करते हैं तो जो फंक्शनल वैल्यू होती है वो इस के से ग्रेटर हो सकती है अगर हम वन ओवर एफ़ की बात करें कि वन ओवर एफ़ की वैल्यू क्या होगी तो अगर एफ़ ऑफ एक्स ग्रेटर इस के से आ रहा है तो वन ओवर एफ़ लेस होगा वन ओवर के से जब आप एफ़ ऑफ एक्स को अगर दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा दें और के को भी दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा दें तो आपके पास इधर आ जाएगा वन ओवर के और दूसरी साइड पे आपके पास आएगा वन ओवर एफ तो आप कह सकेंगे कि वन ओवर एफ लेस और इक्वल टू वन ओवर के इस तरह से आप कह सकेंगे और कह लें कि हमने इस एक्सप्रेशन को एक और फॉर्म में मेंशन करवा दिया उसकी एक और शेप हमने दे दी है कि वन ओवर अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू के है उसका मॉड तो वन ओवर एफ ऑफ एक्स का मॉड लेस इक्वल टू वन ओवर के होगा पहले हम वैसे फंक्शन की बात कर रहे हैं अब हम रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं कि वन ओवर एफ मॉड लेस इक्वल टू वन ओवर के होगा अगर ये एफ ऑफ एक्स मॉड ग्रेटर दैन और इक्वल टू के है तो वन ओवर एफ हमारे पास लेस आर इक्वल टू वन ओवर के होगा और डोमेन वही की वही रहेगी यहाँ पे हमारे पास एक्स आई है और एक एक्स आई माइनस वन है इन पे फंक्शनल वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है अब एक्स आई और एक्स आई माइनस वन ये जो दो पॉइंट्स हैं ये भी इसी इंटरवल में से ही आ रहे हैं अगर इसी इंटरवल में से आ रहे हैं तो उनके रिलेटेड ये जो एक्सप्रेशन होगा वन ओवर एफ़ मॉड लेस आर इक्वल टू वन ओवर के ये भी होल्ड करेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करवाएंगे आपके पास वन ओवर एफ एक्स आई अब यहाँ पे तो ये डिनोमिनेटर में, में मेंशन है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई इसी तरह से ये जो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है इसको भी हम वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई की फॉर्म एक्स आई माइनस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं अब वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या होगी जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है कि वन ओवर एफ ऑफ एक्स मॉड लेस आर इक्वल टू वन ओवर के है तो इसी तरह से वन ओवर एफ ऑफ एक्स आई का मॉड लेस आर इक्वल टू वन ओवर के स्केयर वन ओवर के के इक्वल होगा इसी तरह एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन इसकी वैल्यू भी वन ओवर के से लेस ही होगी एफ ऑफ एक्स आई ये भी वन ओवर के से लेस है एफ़ ऑफ एक्स आई माइनस वन ये भी वन ओवर के से लेस है तो इन दोनों की वैल्यूज़ वन ओवर के से लेस हैं तो एज आ होल ये वन ओवर के स्केयर से लेस आ देंगी तो इसलिए यहाँ पे ये इनक्वालिटी यूज़ की गई है बाकी का जो नोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो उसी तरह से ही आप मेंशन करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि हम ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इस पर सुप्रीम को अप्लाई करवा देंगे यहाँ पे भी सुप्रीमम ऑफ दिस रिलेशन आएगा और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा अब इस एक्सप्रेशन का जो सुप्रीमम होता है वो इससे ग्रेटर ही होता है ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं उस सेट की वैल्यूज़ हैं जिन जिन पे हमने समेशन अप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं और एक सेट डिफाइन किया हुआ है फॉर ऑल पार्टीशन तो इसका जो सुप्रीम होगा वो इस से इस एक्सप्रेशन से ग्रेटर ही होगा जो सुप्रीम होगा इससे जो ग्रेटर होगा उसको हम शो करते हैं बी ऑफ एफ ए कोमा बी की फार्म है। तो ये इसका सुप्रीम है इस रिलेशन का ये हमारे पास सुप्रीम है तो ये इससे ग्रेटरी होगा इसलिए ये इनकॉलिटी यूज़ की गई है और इसका जो सुप्रीम होगा उसको हम ओनली वन ओवर एफ़ या फिर वी ऑफ वन ओवर एफ़ की फार्म में लिख रहे हैं अब ये डिपेंड करता है इस रिलेशन पे अगर तो ये आपके पास आंस फाइनाइट है तो इसका सुप्रीम भी फाइनाइट ही होगा अगर ये आंस फाइनाइट नहीं है तो इसका सुप्रीम भी फाइनाइट नहीं होगा हमें पता है कि जो आप फंक्शन एफ़ है ये बाउंड्रेड वेरिएशन को शो करता है इस क्लोज इंटरवल पे तो अगर ये बाउंड्रेड वेरिएशन को शो करता है तो बी ओफ एफ एमा बी का आंस भी फाइनाइट ही होगा ये इसकी डेफिनेशन कोई भी फंक्शन अगर बाउंड्रेड वेरिएशन को शो करता है तो उसकी टोटल वेरिएशन का आंस भी फाइनाइट होना चाहिए तो ये भी फाइनाइट है तो फाइनाइट इंटू वन ओवर के स्केर ये तो फाइनाइट ही रिलेशन एज आ होल आएगा तो आप कह सकते हैं कि ये इसका जो सुप्रीम है उसका उसकी वैल्यू भी फाइन है क्योंकि ये इस फाइन आर्ट से लेस और इक्वल टू का साइन यूज़ किया गया है तो अगर इसके सुप्रीम का आंस फाइन आइट है तो हम कह सकेंगे कि वन ओवर एफ इज़ आल्सो बाउंडेड वेरिएशन ऑन दिस क्लोज इंटरवल नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर एक फंक्शन एफ बाउंड वेरिएशन को शो करता है इस क्लोज इंटरवल पर दैन इट इज़ आल्सो ऑफ बाउंड वेरिएशन ऑफ ए टू सी एंड सी टू बी वेर सी इज़ अ पॉइंट ऑफ ए टू बी क्लोज इंटरवल एंड कन्वर्सली और साथ में हमारे पास ये भी रिलेशन होल्ड करता है ये उसी तरह से है कि आपके पास एक पॉइंट सी होगा इस इंटरवल पर अगर तो ए टू बी अगर बाउंड्रेड वेरिएशन है तो अगर हम सी पॉइंट इसमें सेलेक्ट कर लें तो ए टू सी और सी टू बी के लिए भी फंक्शन बाउंड्रेड वेरिएशन को शो करेगा ये उसी तरह से है कि अगर आपका इंटीग्रेशन ले रहे हैं ए टू बी ए टू बी आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो आप इस तरह से भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वन और वन टू सी ले लें ले, फिर सी टू बी ले लें आप इंटीग्रेशन और सी उसी क्लोज इंटरवल का पॉइंट हो तो इसी तरह से यहाँ भी मैंशन है कि अगर बाउंड्रेड वेरिएशन ए टू बी हो रही है तो वो ए टू सी भी हो सकती है और प्लस में सी टू बी भी हो सकती है आप ए टू सी और सी टू बी इन दोनों की बाउंड्री वेरिएशन को एडअप करके जो आंस फाइंड करेंगे वो वही होगा जो कि बाउंड्री वेरिएशन होगी ए टू बी क्लोज इंटरवल के लिए तो ये हमने रिलेशन प्रूव करना और साथ में ये भी मैथमेटिकली फॉर्म होगी तो हम वही पार्टीशन एक पार्टीशन पी के रिलेटेड फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन शो करवाएंगे जो कि ए टू सी और सी टू बी पे होगा फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो फंक्शन एफ़ है ये बाउंडेड वेरिएशन है ए टू बी क्लोज इंटरवल पे हम क्या करते हैं कि हमने प्रूव करना है कि ये वेरिएशन बाउंडेड वेरिएशन ए और सी टू बी के लिए तो एक पार्टीशन पी वन ले रहे हैं ए टू सी के लिए और पार्टीशन ले रहे हैं पी टू सी टू बी के लिए हमने यहाँ पे इस इंटरवल कह लें कि ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल था इसको सब इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया एक पी वन के लिए एक पी टू के लिए पी वन में हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो टू सी होंगे और सी इसी क्लोज़ इंटरवल का पॉइंट है और पी टू में हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो सी टू बी होंगे इस तरह से हमने पार्टीशन ली है और ये हमारे पास जो पी वन है ये ए टू सी के लिए पार्टीसन और पी टू हमारे पास सी टू बी के लिए पार्टीशन और नेक्स्ट हमारे पास जो कमन रिक्वायरमेंट होगी वो इनकी यूनियन के रिलेटेड होगी अगर आप पी वन और पी टू की यूनियन ले लें तो जो पी पार्टीशन आती है वो ए टू बी ही होगी कि आप इन दोनों सेट्स की यूनियन लेते हैं तो आपके पास वो सभी पॉइंट्स आ जाते हैं जो इसमें भी और इसमें भी मेंशन है तो ये हमारे पास पार्टीशन आ गई ए टू बी के लिए ये हमारे पास ए टू सी के लिए और ये हमारे पास सी टू बी के लिए और ये हमारे पास ए टू बी के लिए पार्टीशन है नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम इस पार्टीशन के रिलेटेड सम वेरिएशन सम ऑफ वेरिएशन को मेंशन करवाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सम होगा वो आपके पास होगा एक्स नॉट से एक्स एम तक जो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि सब स्क्रिप्ट में आई इज़ इक्वल टू वन टू एम है तो एक्स नॉट से एक्स एम तक एक हमारे पास सम होगा फिर हमारे पास बाय नाट से बाय एन तक हमारे पास एक सम होगा जिसको हम यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जो सम शो हो रहा है वो एक्स नाट से एक्स एम तक होगा और ये एक्सप्रेशन जो होगा वो बाय नाट से बाय एन तक होगा तो आप कह लें कि इस पार्टीशन पी के रिलेटेड जो टोटल सम है वेरिएशन का जो सम है उसको हमने ब्रेकअप करके लिख दिया एक एक्स नॉट से एक्स एम अं तक और एक्स एम अं हमारे पास सी पॉइंट है जो कि यहाँ भी मैंशन है फिर हमने बाय नॉट से बाय एन अं तक यहाँ भी मैंशन करवा दिया सम को सम को आप कह लें कि हाफ हाफ करके हमने अप्लाई करवाया है इस पार्टीशन पे तो ये जो रिलेशन होगा ये ये जो सम का रिलेशन होगा ये लेस ही होगा इन वैल्यूज़ के सुप्रीम के और जो इनका जो सुप्रीमम होता है फंक्शन एफ़ के रिलेटेड जो वेरिएशन का जो जो सुप्रीम होगा उसको हम इस तरह से वी ऑफ एफ ए कोमा बी की फार्म में शो करवाते हैं तो ये हमारे पास जो सम होगा वो ऑलवेज लेस और इक्वल टू इस वेरिएशन के ही होगा फिर हम इस एक्सप्रेशन को इस टोटल सम को कह लें कि कुछ और वे से भी लिख सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम इससे लेस है तो ये वैल्यू भी इससे लेस हो सकती है और ये भी वैल्यू इससे लेस हो सकती है तो इस तरह से हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास साम है इसको हमने लेस और इक्वल टू की फार्म में इसके एक इस तरह से मैंशन करवा दिया फिर ये जो सामने है इसको भी इससे लदा से हमने लेस और इक्वल टू की फार्म में शो करवा दिया अब हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि फंक्शन एफ हमारे पास बॉन्डेड वेरिएशन को शो करता है इस क्लोज इंटरवल के लिए अगर क्लोज इंटरवल के लिए ये बॉन्डेड वेरिएशन को शो करता है तो इसका आंस बी यूफ एफ ए कोमा बी का आंस जो होगा वो फाइनाइट होगा तो अगर हम सुप्रीम भी ले, ले लेंगे तो सुप्रीमम की वैल्यू इससे फा इससे लेस ही होगी जो कि फाइनाइट ही होगी तो हम कह सकेंगे कि जो फंक्शन एफ है ये बॉन्डेड वेरिएशन को शो करता है ए टू सी क्लोज इंटरवल पर इसी तरह जब हम यहाँ पर भी सुप्रीम अप्लाई करवाएंगे तो इसकी वैल्यू जो कि हमारे पास फाइनाइट है तो इसका सुप्रीम भी इससे लेस होगा कि दूसरे लफाज में ये फाइन ही होगा अगर ये एक्सप्रेशन इससे लेस और फाइनाइट है सुप्रीम लेके तो हम कह सकेंगे कि सी टू बी क्लोज इंटरवल के लिए भी ये बॉन्डेड वेरिएशन का फंक्शन शो करवाता है नेक्स्ट हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म प्रूव करनी है तो इसमें ये होगा कि वही हमारे पास जो फंक्शन है हाँ अब हमने तो प्रूव कर दिया कि ये ए टू सी और सी टू बी के लिए भी बाउंड्रेड वेरिएशन को शो करता है तो हम यहाँ पे लैट कर रहे हैं कि फंक्शन एफ हमारे पास बाउंड्रेड वेरिएशन को शो करता है ए टू सी और सी टू बी की फॉर्म में और एक हम पार्टीशन ले रहे हैं यहाँ पे ए टू बी क्लोज़ इंटरवल के लिए जी नोट से जी एन तक हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिए इंटरवल में से अगर तो ये पार्टीशन सी पॉइंट रखती है तो फिर तो इट्स ओके okay. अगर इस पार्टी में पार्टीशन में सी पॉइंट नहीं आ रहा तो हम इस पार्टीशन में खुद से इंक्लूड करवाएंगे जो कि इस तरह से यूनियन की फॉर्म में होगा कि पी स्टार इजकल टू पी यूनियन सी अगर तो इस पार्टीशन में सी पॉइंट इंक्लूड है फिर तो ठीक है अगर नहीं पॉइंट इंक्लूड तो हम यहाँ पे इस पार्टीशन के रिलेटेड सी पॉइंट को खुद से इनकलूड करवाएंगे और जो नई पार्टीशन होगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं पी स्टार से और साथ में हमारे पास ये भी मैंशन है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनके बिटवीन सी की वैल्यू है और आर की वैल्यू एन से लेस होनी चाहिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जेड ऑफ आर माइनस वन है और जेड आर है तो इनके बिटवीन हमने एक सी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया तो इसकी यूनियन ली तो हमारे पास जो नई रिफाइनमेंट आ गई वो पी स्टार है आप कह सकते हैं कि इस ये जो हमारे पास पार्टीशन है पी पार्टीशन इसमें हम अगर सी को ख़ुद से इंक्लूड कर दें तो जो नई रिफाइनमेंट पार्टीशन की आती है वो कर, वो आपके पास आएगी पी स्टार की फॉर्म में तो ये हमने एक यहाँ पे एक पॉइंट सी सेलेक्ट कर लिया इस इंटरवल में से फिर हम एक्सप्रेशन ये जो समेशन की फॉर्म एक्सप्रेशन है इसको लेके चल रहे हैं हमने इस सम को थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट करना है एक पार्ट में हमारे पास जो समेशन की वेरिएशन होगी वो होगी आई फ्रॉम वन टू आर माइनस वन और आर की वैल्यू कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर आप कह सकते हैं तो आई की वैल्यू हमारे पास पहले थी आई फ्रॉम वन टू एन इसको हमने ब्रेकअप करना है थ्री पार्ट्स में एक में करेंगे आई फ्रॉम वन टू आर माइनस वन यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये आर माइनस वन तक की है और नेक्स्ट आर माइनस वन से जो नेक्स्ट इंटीजर होता है वो आर होता है तो आर के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा और आर से नेक्स्ट जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आर प्लस वन होती है तो नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन होगा वो आर वन प्लस से ही स्टार्ट होगा पहली टर्म पे आर माइनस वन तक ही वैल्यूज़ का सम दूसरी पे आर आरथ वैल्यू जो नंबर आर पे आ रही है उसकी वैल्यू का सम है और जो थर्ड है उसमें जो आर प्लस वन से वेरिएशन स्टार्ट हो रही है और एन तक जा रही है उनका सम है कह लें कि हमने आई फ्रॉम वन टू एन को थ्री पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया एक में आई फ्रॉम आर माइनस वन एक में आरथ आर्थ वैल्यू जो आर पे है और एक आर से जो बड़ी वैल्यूज हैं फिर हम इस एक्सप्रेशन में एफ़ ऑफ सी को ख़ुद से इंक्लूड करेंगे और इस तरह से ये एक्सप्रेशन आएगा कि एफ़ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ जी आर माइनस एफ़ ऑफ जी आर माइनस वन और माइनस एफ़ ऑफ सी आपने इस सेकंड टर्म में एब्सोल्यूट फंक्शन में एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में खुद से एफ़ ऑफ सी को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है फिर हम ट्राइंगल इनकोटी को यूज़ करके जो एक्सप्रेशन आएगा तो लेस और इक्वल टू की फॉर्म में ये इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी ट्राइंगल इंक्वालिटी में जो राइट साइड पे हमारे पास जो वैल्यू होती हैं उनमें सम होता है टू वैल्यूज़ का तो एक हमारे पास ये वैल्यू है जिसका सम होगा और एक हमारे पास ये वैल्यू है और साथ में ये ट्राइंगल इनक्वालिटी यहाँ पर लारिक फोलो की फॉर्म में भी आएगी नेक्स्ट बाकी तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इस मिशन की फॉर्म में जो पहले थी वो एज इट इज़ ही आएंगी और अगर हम यहाँ पर सुप्रीम को अगेन अप्लाई करवा दें तो इसकी जो वेरिएशन होगी उसको हम तो, तो सिंपली एफ़ से डिनोट करेंगे और यहाँ से हमारे पास ये जो सम है बेसिकली आर्थ वैल्यू के लिए या फिर कह लें कि जो सी पॉइंट तक हमारे पास पार्टीशन है उसके लिए के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमने C को ख़ुद से इंक्लूड किया क्योंकि हमने ये मेंशन करवाना है कि A टू C और C टू B के लिए भी ये पार्टीशन बाउंड वेरिएशन को शो करता है तो हमने सबसे पहले तो सी पॉइंट इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व करवाया जिस तरह यहाँ पे मेंशन है कि एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी और एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी आर माइनस इस तरह से मेंशन करवा के फिर ट्राइंगल इनक्वालिटी यूज़ की कि ये एक्सप्रेशन प्लस ये एक्सप्रेशन इससे ग्रेटर ही होगा नेक्स्ट जब आप सुप्रीम लेंगे <coughs> <coughs> जब आप सुप्रम लेंगे